जो डॉक्टरों ने थी होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने होमवर्क कर लिया हो, आंसर भी आया हो आप लोगों का, किसी को डाउट नहीं है मे बी। ओके, तो आज लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था, पहले रिवाइज कर लेते एक बार। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज अ कन्वर्सेशन या कन्वर्जन हम बोल सकते हैं। तो वहां पे हमने पहले स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था वहां पे, हम देखे इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ हम वहां पे केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, उससे हीट जो हो रही थी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, तो उसमें से हमने हीट को क्या किया जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की। तो वहां पे हमने देखा डैनियल सेल, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, ऑल दीज आर द सेम सेल, एंड डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डैनियल सेल की जगह पे और भी कोई सेल हो सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में डैनियल सेल दिया है तो हमने वही सेल लिया हुआ। वो पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्ट ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट था, उसमें सॉल्ट ब्रिज देखा, उसके बाद सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेल रिएक्शन कैसे लिखनी है, अलग अलग सेल रिएक्शन हमने लिखी। हमने वहां पर याद किया था लोन, एल ओ ए एन, क्या याद किया था, लोन। ठीक है, लोन का मतलब क्या था, लेट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ध्यान रखना किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ने वाले, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगी बातें, तो हम ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एनोड पे निगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है एनोड पे, ऑक्सीडेशन, यस एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, की डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा, दैट इज द ईएमएफ हमने देखा। हमने देखा दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दूसरा, और आईयूपीएसी ने कहा नहीं भाई, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड कंडीशन देखी, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो, पार्शियल प्रेशर, अगर गैस की फॉर्म में दिया तो पार्शियल प्रेशर 1 bar या 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। ये कौन सी कंडीशन हुई, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने ई नॉट निकाला था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने ई नॉट निकाला था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड राइट हैंड साइड में होता है, ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात कर ली हमने। उसके बाद हमने देखा था नर्स्ट इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत लिए हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी बाय एनएफ लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, रिएक्शन कोशेंट, याद है रिएक्शन कोशेंट। कैसे इक्वेशन आया था, बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी से, डेल्टा जी नॉट वाला इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट। हाँ, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है ये भी तो हमने देखा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन, ये वाली बात कर रहे। एफ क्या होता है, फराडेस कांस्टेंट, एफ क्या होता है, फराडेस कांस्टेंट। तो ये सब बातें हमने वहां पे देख ली कि क्या क्या होता है, वे कैसे होता है, ये सब बातें हमने देख ली। अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो यहाँ पे हमारे अलग अलग सेल बाकी है, हाइड्रोजन सेल, कैलोमेल सेल, हम लास्ट में सब सेल एक साथ करेंगे। अभी पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सब सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, फ्यूल सेल, सब सेल में एक साथ लूंगे, एक साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आज दूसरा पार्ट शुरू करने वाली हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस, देखो यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ये तो सेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हो रहा है, जिस सेल में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस।
अभी इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी. लाइसिस, आप लोगों ने पायरोलाइसिस वगैरह पढ़ा हुआ है. लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग. लाइसिस मतलब क्या हो रहा है? ब्रेकिंग. सही है. किसकी ब्रेकिंग हो रही है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसकी ब्रेकिंग हो रही है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड. रिएक्शन है, केमिकल कंपाउंड लिख देती हूँ. आप बोलोगे रिएक्शन की कैसे ब्रेकिंग होगी, कंफ्यूजन हो जाएगा. ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड मतलब यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे थे, कुछ याद आ रहा है? वहां पे हम कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में. मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या जनरेट कर रहे? केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे. उसमें उल्टा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा पड़ा था. वहां पे हमने कुछ केमिकल रिएक्शन की थी, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी. याद रखना, यही चीजें भूल जाते हो. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या था और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या था. इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखो इलेक्ट्रिसिटी, किसमें? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड. तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अभी ये रिएक्शन होगी कैसे? अलग अलग टाइप्स. अभी यहां पे देखो, मैं फिर से एक सेल निकाल रही हूँ. यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहा हूँ. क्या हुआ, किसकी आवाज है भाई? हर दिन कोई ना कोई बात करता ही रहता है आपकी क्लास में. आदर्श है आज. और तुम लोग को हमेशा मुझे म्यूट करना ही पड़ता है. चलो ठीक है, कर लिया. देखो यहाँ पे एक सेल ले लिया. क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, जो भी बोलना चाहो बोलो. ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. ये कौन सा टैंक है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. और इसमें हमने क्या लिया हुआ है? अभी आप लोग जानते हो, जो हम कंटेनर में लेते हैं या टैंक में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स लेते. इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. पता है ना अभी तो, इलेक्ट्रोलाइट. अभी इसमें फिर से रॉड डाल देंगे. चलो एक रॉड डाल दिया मैंने, ये वाला यहाँ पे एक रॉड, ये दूसरा रॉड, ये वाला हो गया ये सेकेंड रॉड. ठीक है, दो रॉड है डाल दिए यहाँ पे. अभी यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होगा? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. सही है ना? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा. वो चेंज नहीं होने वाला है. हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन ही रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएंगे. देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं ये ले रही हूं एनोड. ये क्या है आपका? एनोड है. और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा. एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये दूसरा हम क्या ले रहे हैं? दिस इज अ कैथोड. ये क्या हो रहा है? कैथोड. और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है. कैथोड पे हमेशा क्या रहेगा? रिडक्शन रहेगा. लेकिन जो एनोड है, यहाँ पे जो एनोड है उस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा. वहां पे उल्टा था, वहां पे निगेटिव चार्ज था. कैथोड पे निगेटिव चार्ज. देखो बात गलत, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया साइन. वहां पे उल्टा था, वहां पे क्या था? एनोड पे कौन सा चार्ज था? निगेटिव चार्ज था. सही है ना? हमने किया था डैनियल से. कैथोड पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे चार्ज बदल गया. अभी इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो. इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है. क्या यहां तक बात समझ में आई? अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग. ये कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग. मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो पाए. भाई हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे. अगर ये कंडक्टिंग हुआ, हाथ लगाओगे करंट लग जाएगा. अगर ये कंडक्टिंग हुआ टैंक, आप करने जाओगे केमिकल रिएक्शन, हाथ लगाओगे गए काम से. इसीलिए हमेशा ये टैंक कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए. ग्लास से बना हो,
रबर से बना नॉन कंडक्टिंग चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, धीरे धीरे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक कटायन होता है और दूसरा अनायन होता है। तो एक अनायन ले लिया मैंने, निगेटिव चार्ज और कटायन, एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कटायन और अनायन होता है, कटायन पे पॉजिटिव अनायन पे निगेटिव। अभी जो अनायन है वो किसके तरफ जाएगा, अभी जो अनायन है निगेटिवली चार्ज है वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सही है ना, अनायन। और कटायन किसके तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, मैंने ए निगेटिव सी पॉजिटिव क्यों लिखा, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा किसमें, कटायन और अनायन में। अनायन किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव की चार्ज, कटायन किसके तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। देखो यहां पे कटायन से क्या है, यहां पे कटायन है, कटायन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कटायन है पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ जा रहा है, ये कैथोड की तरफ जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज और क्या किसकी तरफ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज है। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसका चार्ज क्या कर लेगा, डिसअपियर कर लेगा, मतलब न्यूट्रल हो गया। अभी बात करते हैं अनायंस की, बात करेंगे अनायंस, अनायंस क्या है, ए निगेटिव है, किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ए निगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब कटायंस कैथोड की तरफ जा रहे, अनायंस एनोड की तरफ जा रहे। देखो अभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट साइन चेंज हो गया, बट साइन चेंज हो गया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आया जाके निगेटिव था इलेक्ट्रोकेमिकल में, और कैथोड पे निगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रोकेमिकल में पॉजिटिव था। तो दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, दो तरह का, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अभी जो क्वालिटेटिव है उसमें हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो कटायन पे गया है, मतलब कैथोड पे गया है, या एनोड पे लिबरेट हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये सब बातें हम क्वालिटेटिव में करते। क्वांटिटेटिव में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, कितना अमाउंट लिबरेट हुआ। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे उसमें दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, फराडेज लॉ, उसमें हम क्या पढ़ने वाले, फराडेज लॉ, फराडेज फर्स्ट लॉ आपको पढ़ना है, फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको पढ़ना है। तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, अभी यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट टूट के क्या फॉर्म कर रहा है, अनायन और कटायन, अनायन किसके तरफ जाएगा, अनायन का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, निगेटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीडेशन हो के कहाँ पे जाएगा, इसकी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये जा रहा है इसकी तरफ तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा ना रॉड पे, जैसे डैनियल सेल में बताता, ये अनायन टूट टूट के यहाँ पे इसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीडेशन की तरफ होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाकी तो निगेटिव चार्ज सोल्यूशन में एज इट इज रहेगा। ओके, यहां तक किसी को डाउट है इलेक्ट्रोलिसिस में, किसी को डाउट है, नहीं समझ में ऐसा कुछ है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड डालो, हो गया यहां तक, अभी यहां पे प्रोडक्ट
अलग कौन कौन से फॉर्म होंगे और कैसे फॉर्म होंगे वो किस पे डिपेंड रहेगा. नेक्स्ट सुना लो, फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड डिफेक्ट. चलो रफ कर दो ना. अभी जो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे डिपेंड करेगा वो हमें देखता है. किस किस फैक्टर पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच. नेक्स्ट सुन लो, फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड. Factors on which product formation depend at electrode. कहाँ पे? At electrode पे. पहला, जो पहला factor है, that is the nature of electrolyte. पहला factor कौन सा है? Nature of electrolyte. First factor is nature of electrolyte. अभी nature of electrolyte पे कैसे? जो हमने टैंक लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया. अगर उस इलेक्ट्रोलाइट में मैं NaCl ले रही हूं तो प्रोडक्ट Na या सोडियम या क्लोरीन फॉर्म हो सकता है. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रही हूं तो MgBr2 ले रही हूं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हो सकता है मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन फॉर्म. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रही हूं AlCl3 ले रही हूं तो क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन फॉर्म होगा. तो इलेक्ट्रोलाइट, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसी के रिगार्डिंग आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऑब्वियस है ना. अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन ले रही हूं, NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूं, तो Na और Cl माइनस फॉर्म हो गए. अगर मैं MgBr2 ले रही हूं तो Mg2 प्लस 2Br माइनस फॉर्म होगा. तो उस पर डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट. सेकेंड जो फैक्टर है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, क्या आप मोल्टन यूज कर रहे हो. मतलब मैंने NaCl लिया, NaCl मोल्टन स्टेट में ले लिया. मोल्टन मतलब बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर. तो जैसे मैं हाई टेम्परेचर दूंगी NaCl ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में. या तो मैं यूज कर सकती हूँ एक्वस स्टेट में, मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो तब भी वो Na प्लस Cl माइनस देगा, बट उसके साथ वाटर के भी तो आयंस फॉर्म हो गए. तो अगर आप जो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट में ले रहे हो तो प्रोडक्ट अलग फॉर्म होता है. अगर आप एक्वस स्टेट में ले रहे हो तब भी प्रोडक्ट अलग फॉर्म होगा. थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो कोई भी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या वो डाइल्यूट है. डाइल्यूट मतलब, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम होता है, डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है. देखो हम आगे रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर इसमें रिएक्शन चेंज हो रही है. उसके बाद फोर्थ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. फोर्थ इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसे होगा, क्या वो इनर्ट है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जो रॉड की मैं बात कर रही थी ना, वही इलेक्ट्रोड है. क्या वो इनर्ट है. इनर्ट मतलब क्या होगा, हो सकता है प्लेटिनम हो सकता है ग्रेफाइट हो. तो प्लेटिनम और ग्रेफाइट ले रहे हो तो इनर्ट रहेगा यहाँ पे. या वो एक्टिव होगा. एक्टिव मतलब अगर आप मेटल के इलेक्ट्रोड ले रहे हो, जिंक है, कॉपर का ले रहे हो इलेक्ट्रोड, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. रिएक्शन में क्या करेगा ये पार्टिसिपेट करेगा. तो रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन का तो और कोई और प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो ये डिपेंड करता है किस किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे. सेकंड क्या रहेगा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फोर्थ इज
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डिपेंड करेगा, अगर ये कंडीशन चेंज हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज होगा।